झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष और उनके टीम का आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड निर्माण के बाद अमूमन ये पहला ऐसा मौका होगा कि किसी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का इतने भव्य तरीके से स्वागत किया गया होगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का एक जन सैलाब देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष का भव्य तरीके से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी में चाहे आम हो या खास हो, तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और हम समन्वय बना के एक साथ चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन पार्टी को अगर लगेगा कि सरकार में कुछ गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध भी करेंगे। झारखंड प्रदेश के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर आज नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ सभी चार कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर भी आए। एयरपोर्ट पर मंत्री बादल पत्रलेख ने इन नेताओं की अगुवाई की। स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि एयरपोर्ट पर काफी लंबा जाम लग गया। हवाई अड्डे से लेकर कांग्रेस भवन तक उनके स्वागत की पुरजोर तैयारी की गई। हवाई अड्डे से वे बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, गाड़ी खाना होते हुए मोरहाबादी बापू वाटिका तक गए। वहां वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कचहरी चौक से होते हुए वे कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसे बखूबी निभाऊंगा। पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। गठबंधन की सरकार में समन्वय स्थापित कर बेहतर सरकार चलाने का प्रयास होगा। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने अपनी टीम के साथ नई दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, महासचिव तारिक अनवर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से मुलाकात की। सभी राष्ट्रीय नेताओं से उन्होंने झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। सभी नेताओं ने अपने अनुभव से झारखंड कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को उपयोगी सलाह के साथ साथ अपना पूर्ण सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो मीडिया के बंधुओं ने स्वागत किया है, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो बतौर मीडिया प्रभारी का कार्यकाल पूरा किया है वो बेहतरीन था, जिसका नतीजा है कि आज जो भी साथी साथ में हमेशा रहे वो सभी लोग आज मौजूद हैं। एक आध मित्र ये कह रहे थे कि जितनी आसानी से आप बाइक देने के लिए मोराबादी आ जाया करते थे, अब कैसे होगा? तो हम बोले बिल्कुल अभी भी वैसे ही होगा। उन्होंने ये भी सलाह दिया कि थोड़ा गरिमा को बनाना पड़ता है, हमने जिस दिन प्रोटोकॉल में आ गए समझिए अहंकार में आ जाएंगे, और जिस दिन अहंकार में आ जाएंगे उस दिन पार्टी से अपने आप को ऊपर समझने लगेंगे, और यही नहीं होने देना है। कार्यकर्ता को जब केंद्र बिंदु में रख करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप कैसे काम करोगे, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप क्या सोचते हो? हमने कहा कि केंद्र बिंदु में जब कार्यकर्ता होगा तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कार्यकर्ताओं से संवाद होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सच्चाई ये है कि जब भी कोई हमारे नेता आदरणीय जब किसी को बनाते हैं तो वो ये सोच के बनाते हैं कि ये लोग जाके आगे काम करेंगे। कहीं ना कहीं कई बार हो सकता है हमें भी ये परेशानी आए कि हम अपने आप को केंद्र बिंदु में करने लगते हैं, और जैसे ही अपने आप को केंद्र बिंदु में करने लगते हैं निश्चित रूप से पार्टी बिखरने लगती है। हम इस बात का ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं से मेरा गुजारिश होगा कि कभी कोई कमी दिखाई दे जाए तो जरूर बताइएगा कि आपके अंदर में यह अहंकार आ रहा है, आप ये सही बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समाज के दर्पण हैं और आपकी महती भूमिका है
किसी भी व्यक्ति की सफलता में, देखिए रक्त से सींचने का जो हमने बात कही थी, रक्त बाहर आ रहा है, हमें लगता है खून और पसीने से सींचने का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी नई ऊंचाइयों पे जाएगी, कहीं कोई चिंता और दिक्कत की बात नहीं। कहते हैं कि तख्तो ताज जब मिलती है तो चुनौतियां भी बड़ी हो जाती है, और झारखंड प्रदेश कांग्रेस में चुनौतियां इसलिए भी बड़ी है कि समय समय पर यहां पर गुटबाजी की जो है खबरें वो सामने आती है। जाहिर सी बात है कि नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्षों के लिए चुनौतियां भी सामने हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है कि तमाम तरह के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें साथ लेकर एकजुट लेकर चलने की। दूसरी बड़ी चुनौती है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और प्रमुख विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, और सहयोगी के तौर पर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में शामिल है। अमूमन ये खबरें आती है खासकर कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी इसी तरह का कुछ आरोप है। जाहिर सी बात है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की टीम के लिए सबको समन्वय स्थापित कर साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।